हेलो दोस्तों, आज मैंने ये एक स्कर्ट प्लाजो बनाया है जिसकी बेल्ट में सारी चुन्नटें डाली हैं। पूरी बेल्ट में इसकी चुन्नट डाल के बनाया मैंने। तो यहाँ तक इसका आसन है, उसके बाद ये पैर अलग अलग हैं दोनों। इस तरह से इसकी लुक आई है। इसके साथ ये टॉप बनाया है। इसकी लंबाई 30 इंच है। बाजू हल्की खुली है, बाजू के आगे ये लेस लगाई हुई है। गला इसका बोट शेप है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा आधे से पौने घंटे में बनाया मैंने। ये पूरा वीडियो आप देख लेना ध्यान से, तभी आपको पता चलेगा। ये सीधा ही कपड़ा था, इसमें ज़्यादा कोई कटिंग नहीं की मैंने। बस ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, ये कपड़ा है मेरे पास, इसका मुझे स्कर्ट प्लाजो बनाना है। तो ये 3.25 मीटर कपड़ा है पूरा पूरा। ये कपड़ा इकट्ठा ही था, मैंने सेंटर में से कटिंग किया है इसको। इस तरह से इसके नीचे ये बॉर्डर बना हुआ, ये पूरा का पूरा बॉर्डर बना हुआ था। तो मैंने इसको इकट्ठा करके इसको सेंटर में से इस साइड से मैंने इसको कटिंग कर दिया। तो इसकी जो लाइनिंग है वो भी इसके बराबर की है लाइनिंग। पहले सबसे पहले मैं इस साइड से ऊपर से इसकी लाइनिंग अटैच कर लूँगा सारी सिलाई मार के, उसके बाद प्लेटें डालनी शुरू करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके साथ लाइनिंग अटैच कर ली थी सारी। तो अब मैंने ब्रीक ब्रीक इसकी प्लेटें डालनी शुरू कर ली हैं। एक साइड की प्लेटें मैंने इस तरह से डाल ली हैं इसकी। तो पैंट वेस्ट के हिसाब से मैंने इनकी प्लेटें डाली हैं। पैंट वेस्ट है 26। तो प्लेटें डालने के बाद मेरे पास कपड़ा है 28 टोटल। 2 इंच मैंने ज़्यादा रखा है इसका कपड़ा। ये दूसरी साइड की भी प्लेटें मुझे उसी तरह डालनी है जैसे मैंने वो आपको दिखाया है। ये भी मुझे 28 इंच रखना है। ये आ गया पूरा पूरा 14 इंच। ये लाइनिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, उसको मैं कटिंग कर दूंगा। फ्रेंड्स, ये जो मैंने प्लेटें डाली हैं, एक पल्ला ये हो गया, एक पल्ला ये हो गया, ये दोनों पल्लों की मैंने प्लेटें डाली हैं। अब इस साइड मुझे आसन वाली सिलाई मारनी है। मैं आसन इसका रखूंगा 12 इंच, जो कि नाप के हिसाब से बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ से यहाँ तक मैं आसन का निशान लगाता हूँ 12 इंच। 12 इंच तक मैं सिलाई लगाऊंगा। ये मैंने 12 इंच का निशान लगाया हुआ था, यहाँ पर मैं बना दूंगा सिलाई, यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। फ्रेंड्स, इसी तरह सेम दूसरी साइड पर भी मैं सिलाई लगा दूंगा।
फ्रेंड्स दूसरी साइड जो मैंने 12 इंच तक आसन का निशान लगाया था, मैंने ऊपर से जिप लगाने के लिए छोड़ा है 5 इंच मैंने छोड़कर खुला, और नीचे 12 इंच तक मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं आसन की सिलाई मारूंगा नीचे से। अब मुझे लाइनिंग इसके साथ बराबर रख के आसन की सिलाई लगानी है। नीचे से ये बिल्कुल बराबर आ गया है, ये देखिए ये बॉर्डर के साथ बॉर्डर बिल्कुल मिल गया है। अभी इसके ऊपर पूरी की पूरी बेल्ट लगनी है, साइड में जिप है इसके, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जिप लगानी है। मैं दूसरी साइड भी सिलाई पूरी कर लूँगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं से मैं दूसरी साइड की सिलाई लगा दूँगा। फ्रेंड्स मैंने दोनों साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब जो मैंने ये 5 इंच का कट खुला छोड़ा था, इसके ऊपर मुझे जिप लगानी है। जिप लगाने के लिए पहले मैं ये पट्टी इसके साथ जोड़ूंगा, फिर उसके बाद मैं इसके साथ जिप अटैच करूंगा। दूसरी साइड भी सेम उसी तरह मैं कपड़ा जोड़ दूंगा। फ्रेंड्स जो मैंने ये कपड़ा जोड़ा है, 2-2 इंच की पट्टी मैंने जोड़ी है, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगा।
फ्रेंड्स, मेरे इसको मेरे पास ये वाली जिप है, तो इसको मैं अभी इसकी साइड में लगा दूंगा। ये जो इसके लोहे वाले कुंडे हैं, मैं ये कटिंग करके फेंक दूंगा, क्योंकि इसके ऊपर सुई ना लग जाए, ताकि सुई टूट जाएगी। फ्रेंड्स, ये जो मैंने जिप लगाई है, एक साइड से मैंने इसके जिप को इसके साथ रखा है, इस तरह से सिलाई मारी है। दूसरी साइड वाली सिलाई जिप को मैंने इस तरह से कपड़े को ज़्यादा बढ़ा के रखा है, और ये सिलाई जो एक्स्ट्रा सिलाई है, ये मैं खोल दूँगा। अब मुझे ये 2 इंच की ऊपर बेल्ट लगानी है, तो इससे डबल से भी 1 इंच ज़्यादा मैंने ये कपड़ा लिया है। मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ कितने इंच कपड़ा लिया मैंने। 2 इंच की ये बेल्ट है, और कपड़ा जो मैंने लिया है करीब करीब 6 इंच कपड़ा है मेरे पास। जो एक्स्ट्रा होएगा वो मैं कटिंग कर दूँगा बाद में। पहले मैं एक साइड से इसको सिलाई मार के इस तरह से इसको चिपका लूँगा कपड़े का। एक पैर की सिलाई मार रहा हूँ मैं। इस बेल्ट, ये पूरी बेल्ट लगनी है, इसमें लास्ट की कोई ऐड नहीं करना मुझे। तो एक साइड से मैंने इसको सिलाई मार के पक्का कर लिया है, तो मैं देख लूंगा कितना मुझे सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए। वैसे मुझे 1/2 इंच कपड़ा चाहिए सिलाई के लिए, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा है, जो थोड़ा सा भी ज़्यादा है वो मैं कटिंग करके बराबर रख लूँगा। इधर से तो ठीक ही है, मुझे सिर्फ एक एक पैर कपड़ा कटिंग करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर अभी मैं बेल्ट जोड़ूंगा, जो मैंने बेल्ट तैयार की है। जिस साइड मैंने जिप के बिल्कुल किनारे पे सिलाई मारी है, उस साइड मैं इसको 1/2 इंच बढ़ा के रखूँगा। मैंने इस तरह से रखी है, ये कपड़ा है सारा, और ये सीधी वाली साइड है। उल्टी साइड से मैं बेल्ट लगानी सिलाई लगा रहा हूँ बेल्ट की।
जो एक्स्ट्रा धागे निकल रहे हैं वो कटिंग भी करने हैं साथ साथ। तो जिप वाली साइड जो कपड़ा मैंने बढ़ा के रखा था उस साइड ही बेल्ट मैं ज़्यादा रखूँगा। मैंने 3 इंच बेल्ट ज़्यादा रखी है तो इधर वाली साइड से ही मैं इसको सिलाई मारना शुरू करूँगा। पहले मैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आधा इंच मैंने रखा था इसको मैं अंदर से फोल्ड कर लूँगा। तो मैंने जो मुझे ये बेल्ट फोल्ड करनी है इस साइड मैंने इसको अच्छी तरह से सिलाई मार के इस साइड से इसको फिनिशिंग से बना लिया है। तो अब मैं इसको ऐसे रख के सिलाई मारूँगा। तो नीचे से कपड़ा सेट करते हुए मुझे ये सिलाई मारनी है। Thank you.